फाइनली कहाँ पे हम लोग सारे बताओ। ये जी हमारी ट्रिप की जान है, शहजादा है हमारा, फुल प्रूफ डूम। फाइनली पहुंच गए खजुरा पास। यार मुझे बोतल भरनी नहीं आती। सुबह सुबह जाग रहा था आज, बल्कि आज रात को सोए ही नहीं है, बस शुगल मेला गा रहे थे। मैं इंतज़ार कर रहा था कि चलो राखा पोशी देख लें, ये सामने राखा पोशी इस जगह पे होता है, लेकिन उसके आगे बादल आ गए। लेकिन व्यू आपको दिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ, देखें बादल नीचे कैसे ट्रैवल कर रहे हैं, ऊपर होते हैं, आज बिल्कुल नीचे पहुँचे हुए हैं। इंतहाई खूबसूरत मौसम, इंतहाई खूबसूरत मौसम। ये देखें ये बादल कैसे नीचे आए हैं, क्या बात। ये देखें बहुत ही खूबसूरत व्यू है, और मैं ये गारंटी से ये बात कह सकता हूँ कि जो मैं देख रहा हूँ वो कभी भी कैमरा नहीं देख सकता, ना दिखा सकता है। इतना खूबसूरत मौसम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, और ये वाकई हंजा को देख के मुँह से खुद ब खुद सुभान अल्लाह निकलता है। अल्लाह की, अल्लाह पाक अपनी खूबसूरती दिखाता रहता है। अभी वो बादल जो है ये देखें, ये इन पहाड़ियों को टच करने, पहाड़ियों को क्या, इन जो नीचे घर शहर हैं उनको बीच में जा के सारे लग रहे हैं, और इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह क्या बात। राका पोशी ऐसे कवर हुआ जिस तरह है ही नहीं, इतनी हाइटेड पीक है ये, लेकिन बिल्कुल कवर हुई पड़ी है। बेहतरीन और खूबसूरत नज़ारा। आवाज तो निकालो। हाँ जी क्या बात है भाई, बच्चा अच्छे वाला ब्लॉग बना रहा है। हाँ जी आज हमारा यहाँ पे सेकंड लास्ट डे है, ठीक है, नाश्ता कर रहे हैं नांगियों के साथ। ये भी ठीक है। हाँ जी हाँ जी भाई, सेकंड लास्ट डे है, मौसम बहुत अच्छा है, मौसम तो वाकई खूबसूरत है। अच्छा ऐसन भाई बोलो क्या। बड़े बदतमीज हो, आपको अच्छा भला सिखाया था मैंने। चल बता कल YouTube की अरिया आनी है, आज हम किधर जा रहे हैं जरा सारे बताओ। आज हमारा सेकंड लास्ट और हमारा ट्रिप क्या है आज का, ऊपर वैली। ऊपर वैली असल में हुआ ये कि पहले तो मैं भी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब, खैरियत से हैं, ठीक है। सीना जैसे कि जी हम लोग आज का ये सीन है कि हम लोग कल गए हैं खजुराहो पास, लेकिन वहाँ से वापसी में हमारा हमें अंधेरा हो गया, जिसके कहते हैं हम हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज नहीं जा सके। तो अब ये कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से सस्पेंशन ब्रिज पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ऊपर वैली है वो देखेंगे। क्यों है सुन भाई, ऊपर वैली जिंदाबाद। चलें फिर नाश्ता वगैरह करके निकलते हैं, मिलते हैं आपको कुछ देर के बाद। अताबाद का व्यू आज आपको दोबारा दिखाएंगे खूबसूरत बादलों के साथ। यार ये क्या चाहती है, चाहती है कि चाहता है। अच्छा भाई ये जितने इतने लंबे पा रखे गए, सबसे पहले व्यू दिखाओ अली भाई इधर। आप हम दोबारा जा रहे हैं सैंडी ब्रिज और परसों पोच का इंतहाई खूबसूरत व्यू, इंतहा से ज़्यादा खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं, मतलब पूरी नज़र आ रही है, लेकिन जो उसकी कोंस अली भाई थोड़ा जूम करें, उसकी जो कोंस है वो बिगनांगे, उसकी जो कोंस है ना वो बिल्कुल कवर हुई पड़ी है ऊपर से, और आज मौसम बहुत बेहतरीन है, तो सुबह बारिश सुबह से हो रही है, अभी कुछ टाइम पहले रुकी है। और ऐसा भी नहीं होता, क्यों भाइयों, जैसे वहाँ पे अपना ऊपर स्नोफॉल, दोबारा फ्रेश स्नोफॉल हुई,
इतहाई क्लियर वेदर और खूबसूरत वेदर में हम लोग जा रहे हैं। हम लोग असल में कल हमारा आपको मैंने बताया है कि हमारा वो रह गया था अपना हुसैनी ब्रिज, तो आप उसको दोबारा कवर करने के लिए जा रहे हैं और ये नज़ारा देख के मैंने कहा आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। अली भाई दोबारा दिख रहे हैं दरख्त आगे आ गई। अली भाई कुछ आप कहना चाहते हैं तो कहें, बाकी हम लोग जाके कहेंगे, बाकी जाके कहना है। चलें ठीक है, नहीं जी पहले हम लोग रुके थे पीछे, अभी पहुंचे हैं यहाँ पर हुसैनी ब्रिज। हाँ जी कैसा लग रहा है हुसैनी ब्रिज? बहुत हैवी पप्पी। नहीं चढ़ना ऊपर? कौन बहुत प्यारी लग रही है। नहीं इधर से जाना है वैसे दूसरी साइड पे? नहीं मैं तो आप नहीं जाना, वो नीचे जाएंगे एक दो स्टेप तक, ट्राई तो करना ना, सीन चेक करें जरा पीछे हो तेनू नहीं गया। और सुकून नंगे इंतहाई खूबसूरत गाड़ी हमारी पीछे पार्क है, मेरा चीफ मेरी पजारो डरा रहे एक दूसरे को। देखिए जरा ओए नंगियो पीछे जरा सलाम ले कर लो। फैसल भाई ब्लॉग में तुम्हारा रिकॉर्ड हो रहा है, तुम ना उसमें आएगा तुम्हारा, तुम्हारे बच्चे भी देखेंगे ब्लॉग में तुम हुसैनी ब्रिज गए हो। तुम्हारा जो 3 साल का बेटा ना वो बड़ा होके देखेगा। ये देखो और वो लोग ये देखें जी, ये क्या डानिया देख लो ब्रो। यस ब्रो देख लो ब्रो, जाके अभी पूरा ब्लॉग देखें। हम लोगों ने यहाँ पे नाम भी अपना लिखा है, ये मेरा नाम, ये मेरा YouTube चैनल। चले जी लो जी फाइनली जी पहुंच गए, रश लगा हुआ है भाई, चढ़ना ऊपर चलो चीजें कवर करके जरा। ये तो नहीं इनको जमा करवा, मतलब ये पहननी है, ये जैकेट पहन के जाना जी यहाँ पे ब्रिज अल मशहूर हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, बहुत खतरनाक है अभी यहाँ पे एक इंसिडेंट हो गया है। अल्लाह बचाए सबको जी, अपने अपने चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से नीचे गिरने के बाद चांस तो कोई भी नहीं है, तो ज़रा ख्याल रखा करें यहाँ पे आगे, लाइफ जैकेट्स लाजमी वेयर करें। नहीं जी आपको ऐसे भाई ज़रा हमारे कैमरा मैन बने हुए हैं, ज़रा आपको व्यू दिखा रहे हैं अताबाद लेक का, तो मैं तो वीडियो बना नहीं सकता। ऐसे भाई को आगे जाके जो व्यू आना ना अताबाद लेक का, इस टाइम को क्या लिखा हुआ है, दीदार मुबारक बन रही है ना वीडियो। दोबारा कमेंट्री करना, ये देखे जी दोबारा आपको अताबाद का नज़ारा करवा रहे हैं, शाम का टाइम है 6:06 हुए हैं। देखे जरा इस टाइम भी इसका कलर देखे, खूबसूरती की जो हद है वो है। हम लोग किधर जा रहे हैं सर भाई? ऊपर वैली, ऊपर वैली, ऊपर वैली वगैरह विजिट करेंगे इंशाल्लाह, उसके बाद देखते हैं हमारा क्या प्लान है। जब लो ओ यार ये क्या रास्ता है गंदा। हम पहुँचे जी, ये टाइम तो वैसे गलत ही है ईगल नेस्ट आने का, क्योंकि इस टाइम तो समझ लें कि बिल्कुल ही अपना अंधेरा हो गया और जो व्यूज़ यहाँ के हैं वो छुप गए हैं। अभी ये सामने ये अभी छुप रही है बिल्कुल हल्की हल्की सी लेडी फिंगर पीक, उसके ऊपर से बादल गुजर रहे हैं, बहरहाल अब आए हैं तो देखते हैं। अब खूबसूरत तो ये है रात के वक्त भी, अब वो सामने एक कैफ़े देख रहे हैं हम लोग, वहाँ पर जाते हैं। ये अभी पहुँचे हैं जी ईगल नेस्ट, यहाँ कैफ़े है, क्या व्यू है यहाँ से खूबसूरत, ये देखें, पता नहीं कैमरा आपको वो खूबसूरती दिखा रहा है कि नहीं, लेकिन जितनी खूबसूरती यहाँ पे है हंजा वाकई मैं मान गया, क्योंकि हंजा जैसी खूबसूरती हो ही नहीं सकती कहीं पे भी, बहुत खूबसूरत है हंजा। वापस जा रहे हैं ईगल नेस्ट से, नीचे का व्यू नज़र आ रहा होगा आपको,
वो जाते हुए बहुत ज़्यादा स्टीप और वापसी भी आते हुए सिर्फ आपको पहला गियर रखना चाहिए, पहले से ऊपर जाए ना, क्योंकि रास्ता भी इसका इतना सही है कि एक सामने से गाड़ी आए तो जगह ढूंढनी पड़ती है कि यार गाड़ी को चढ़ाएं कहाँ पे। अभी आगे देखी जाए कैसी लिथाई है यहाँ की, पता नहीं कैमरा में फील हो रही कि नहीं, लेकिन हम लोग तो एल पी जा रहे हैं, गियर लगाया हुआ सबसे छोटा। यार गाड़ी आराम आराम से खुद ही उतर जाए, ब्रेक का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। ये देखें जी गाड़ी बिल्कुल, गाड़ी का मुंह नीचे को है, एल गियर के बावजूद हम लोग साथ साथ ब्रेक लगाते जा रहे हैं। वो आगे ट्राली भी जा रही, रात को पहाड़ों का रास्ता, मैं तो भाई सबको यही प्रेफर करूँगा कि रात को पहाड़ों पर सफ़र करना ही नहीं चाहिए, दिन दिन में करो रोशनी में, रात के वक्त नहीं करना चाहिए बिल्कुल। कैसे बाइक का मुँह बिल्कुल सीधा, गाड़ी का मुँह ओए होए। अभी पहुँचे हैं वापस हुंजा रेनबो होटल में, क्या यार इनका अंदाज़ है खूबसूरत सर्विंग का। अमूमन ये होता है कि हम लोग किलो अगर कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वो दो जगह पे आती है, मतलब एक जगह पे आती है, इन्होंने एक किलो कढ़ाई हमने मंगवाई थी, ये हाफ के जी यहाँ पर है, हाफ के जी वहाँ पर है, साथ जेल फ्रेजी है, बिल्कुल नॉर्मल रेट्स हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और देखने में ऐसे भाई कैसा लग रहा है, लग रहा है मज़े की कि नहीं, बेहतरीन लग रही है। चलें खाते हैं इसके बाद निकलते हैं होटल। ये भी हुंजा बाज़ार में है कोई शॉपिंग वगैरह करने, तो ये एक दुकान है यहाँ पे, भाई माशाल्लाह बेहतरीन इखलाक है इनका, तो उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में बताया जी कि ये जो बैग्स वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इनकी अपनी प्रोडक्ट नहीं होती, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे फीमेल्स हैं जो यहाँ पे अपनी इस तरह की चीज़ें बनाकर छोड़ जाती हैं, और उनके साथ होता ये है कि मतलब कि यहाँ पे हुंजा में कोई मांगने वाला मैंने नहीं देखा, ना कोई है। तकरीबन करीमाबाद के अंदर 600 प्लस पीपल रहते हैं जिनमें से एक भी मांगने वाला नहीं है। इधर एनजीओ है, वो उनको तनख्वाह देते हैं लोगों को जो जिनके पास जॉब्स वगैरह नहीं होती, उनके साथ मतलब उनको इस हिसाब से कुछ ना कुछ कोई 20-25 हज़ार रुपया उनको देते रहते हैं ताकि वो मांगे ना, ना उनको आदत पड़े। तो ये बनाने का मकसद ये है कि यार हुंजा के लोग, हुंजा की खूबसूरती, पहाड़ हो गए, दरख्त वगैरह, ये चीज़ें तो खूबसूरत हैं ही, लेकिन जो यहाँ के लोग खूबसूरत हैं अंदर से भी और बाहर से भी, मैं बहुत बहुत हैरान होता हूँ इस चीज़ से कि माशाल्लाह खुशी होती है उनसे मिलकर। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और हमें भी ऐसी तौफीक दे कि हम भी इनके जैसे हो। पहले हम लोग गए हैं वहाँ पे, हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग वगैरह की है, सारों के हाथ में बैग्स आप देख सकते हैं, मेरा सामान ये पड़ा हुआ है घर वालों के लिए, समझ रहे हैं ना, दवाएं शवाएं भी लेनी होती हैं। और उसके बाद ड्राई फ्रूट लेने आए हैं, पिताजी का हुक्म आया था कि ले के आना है, तो मैं तो यहाँ पे हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, अपनी दुकान का नाम बताएं। हुंजा में ये अपना बलतीत फोर्ट वाले चौक से बिल्कुल पीछे, बिल्कुल साथ में, उसके बिल्कुल साथ में है, बेहतरीन चीज़ें हैं माशाल्लाह, हमने टेस्ट भी करके देखी हैं, बहुत ही अच्छी, मुझे एक लड़का कुछ खिला रहा था बहुत ही अच्छी चीज़ें माशाल्लाह, सबका टेस्ट अच्छा और प्राइसेस भी अच्छे हैं। आप इनके पास हैं इंशाल्लाह आपके साथ डिस्काउंट भी करेंगे और आपको अच्छा अच्छी चीज़ प्रेफर भी करेंगे। Working through